तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये हमारा बॉटनी सिमेटिक के ऊपर टॉपिक है। और जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको स्पीकर रिंगर माइक मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जैसे इससे पहले की वीडियो में हम लोग जो सीख रहे थे वो स्पीकर है, माइक है और रिंगर है। स्पीकर रिंगर माइक मतलब स्पीकर रिंगर माइक का जो ट्रैक है वो काम कैसे करता है उसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया है। तो सबसे पहली बात क्या, मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ स्पीकर माइक रिंगर के जो पॉइंट्स होते हैं इन पॉइंटों में जो हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर चेक करने पर हमारी जो वैल्यू आती है ये समथिंग 300 से लेकर के 600 वैल्यू आती है। इस वैल्यू को हम लोग GR यानी ग्राउंड रीडिंग बोलते हैं। ये वैल्यू चेक करने के लिए रेड पिन को ग्राउंड पर लगाते हैं, ब्लैक से चेक करते हैं। तो हम लोग बॉर्नियो सिमेटिक के माध्यम से इस सारे पूरे सर्किट को समझने वाले हैं और इसके माध्यम से मोबाइल फोन में ट्रैक की जो प्रॉब्लम आती है उन समस्याओं को कैसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, रिपेयरिंग इस तरीके से टेक्निकली कोर्स के बारे में आपको सिखाया जाता है। यहाँ पर बेसिक फोन से लेकर स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन, आईफोन, टैबलेट, सभी मोबाइल फोन के बारे में हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर से लेकर के बेसिक से लेकर के जीरो लेवल से लेकर मैं एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको सीखने को मिलती है। कोर्स को हम लोगों ने पूरा फुल्ली प्रैक्टिकली मोड में रखा हुआ है ताकि आप लोग जब सीखने के लिए आते हैं तो अच्छी तरीके से समझ करके जाते हैं। कि जैसा कि आज आपको जो मैं वीडियो बना करके देता रहता हूँ, ये मैं वीडियो इसलिए बना करके देता हूँ ताकि आप ही जैसे जो स्टूडेंट हैं वो एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में समझ सकें, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकें और अच्छी तरीके से काम करने का तरीका समझ सकें। या उन लोगों के लिए है कि बहुत मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरे पास कॉल आते हैं या बहुत लोग ऐसे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं आपकी वीडियो के माध्यम से आज मैं शॉप पे काम कर रहा हूँ, मैं कम से कम 8-10 साल हो गया मोबाइल फोन की दुकान चलाते चलाते, लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला है और सीखने के साथ साथ उनके साथ साथ हमारे बहुत सारे मोबाइल फोन भी ठीक हुए हैं। तो जब उनके मोबाइल फोन ठीक होते हैं तो उनको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। और दूसरी बात क्या रहती है कि हमारा भी सिखाने का आपका पर्पज सॉल्व हो जाता है कि भाई हम आपको जो चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं आपको समझ में आए, आपके लिए कारगर हो, आप अच्छी तरीके से सफल हो करके आगे बढ़िया अच्छी तरीके से काम करें। और अगर आपको लगता है कि हमको कंप्लीट पूरा ट्रेनिंग लेना है तो फिर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं यहाँ करके। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और हम लोग सीखते हैं कि हमारे पास जो स्पीकर रिंगर माइक की प्रॉब्लम आती है इसको बॉर्नियो सिमेटिक के माध्यम से कैसे ढूंढते हैं। तो ये दोस्तों, जैसे आज मेरे पास रेडमी का एक 5A का मोबाइल फोन है, ये सर्किट हम आपको इसलिए समझाते हैं क्योंकि इसको आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा हम और भी सर्किट हम आपको समझाने वाले हैं स्पीकर माइक रिंगर को लेकर के। जैसे मेरे पास कोई मोबाइल फोन आता है, अगर उसमें स्पीकर रिंगर माइक की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, आपके पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे सबसे पहले फर्स्ट डिटेल लिखी होती है। ये सारे जो नए लोग हैं मैं उनके हिसाब से आपको बताता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। अगर यहाँ पर अगर आप डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखा हुआ है ये स्पीकर का, ये P का मतलब होता है पॉजिटिव, M का मतलब होता है नेगेटिव माइनस, ये आपका माइक का सप्लाई का दिया हुआ है और ये आपका ईयर स्पीकर का दिया हुआ है, ये आपके रिंगर के सप्लाई के लिए दिया हुआ है और ये आपके ऑडियो के सप्लाई का दिया हुआ है, ये आपकी VPH की सप्लाई का आपका दिया हुआ है जो 3.7 वोल्टेज सप्लाई आती है जिससे आपका मोबाइल फोन क्या होता है चालू होता है और आपका मोबाइल फोन मतलब एक्टिव होता है और इसके माध्यम से तुम्हारी रिंगर IC एक्टिव होती है। तो हम लोग सबसे पहली बात ईयर स्पीकर के सर्किट को समझते हैं। अगर ईयर स्पीकर के सर्किट में आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन जो दिख रहा है जैसे ग्रीन कलर का लाइन है और ये लाइन जो पर्पल कलर का लाइन है, इसमें जब आप देखेंगे तो ये लाइनों को ईयर स्पीकर के माइनस और प्लस ये दोनों के लिए इंडिकेट किया हुआ है। इसी लाइन को जब आप इसमें बोर्ड में अंदर देखेंगे तो इसी कलर फॉर्म में आपको मिलेंगी जिससे आपको पहचानने में आसानी रहेगी। अच्छा, जितने भी सारे नए लोग होते हैं जो टेक्नीशियन होते हैं काम करने वाले होते हैं उनको, उनके पास स्पीकर मान लिया बात करने वाला जो स्पीकर है वो नहीं काम कर रहा है और उसको उन्होंने नया डाल दिया, साफ सुफ कर दिया, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है कि यार मदरबोर्ड में क्या चेक करें जिसको चेक करने के बाद हमारी समस्या ठीक हो जाए। तो हम लोग समझाने वाले हैं कि कैसे इसके माध्यम से आप सर्किट को ढूंढ सकते हैं और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो में चलते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ईयर स्पीकर का ट्रैक देखते हैं। ईयर स्पीकर का ट्रैक कहाँ पर है, ऊपर की तरफ दिया हुआ है।
जैसे आप देखेंगे ये सर्किट अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। ये एयर स्पीकर का ट्रैक है, एयर स्पीकर के ट्रैक में दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट आपका ये दिया हुआ है। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे, बी पॉइंट पर सेट करने के बाद जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको वैल्यू मिलेगी, और यहाँ भी चेक करेंगे तो भी आपको चेक करने पर वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू मिलती है तो वैल्यू मिलने का मतलब क्या होता है, ट्रैक सही होता है। अगर वैल्यू नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा लाइन खराब हो जाता है। लाइन खराब होने का मतलब क्या रहता है, जैसे सबसे पहली बात यहाँ से जो सप्लाई जाती है वो सप्लाई यहाँ से होने के बाद आगे अगर आप देखेंगे तो एक डायोड लगा हुआ है, फिर उसके बाद आगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर एक आपका रजिस्टर या आपका कॉइल लगा हुआ है। ये अगर आप सप्लाई देखेंगे तो यहाँ से जो करंट आया यहाँ से होते हुए डायोड के एक हिस्से पर गया, दूसरे हिस्से पर नहीं गया, सप्लाई आगे चली गई, वही सप्लाई कैपेसिटर पर एक ही हिस्से पर गई, दूसरे हिस्से पर नहीं गई, फिर रजिस्टर पर गई, रजिस्टर से होते हुए आगे गई, फिर सप्लाई आगे चली गई। तो इसका मेरा समझाने का मतलब ये पर्पज है कि ये जो आपके सर्किट है, जैसे एग्जाम्पल सी बात है मैं आपको बताता हूँ, ये स्पीकर का लाइन है, स्पीकर के लाइन में सबसे पहले आपका डायोड लगा हुआ है ऐसे, इस डायोड का एक हिस्सा पॉजिटिव है, दूसरा हिस्सा नेगेटिव है, ये डायोड तुम्हारा पैरेलल पोजीशन में लगा है। उसके बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर में जो लगा हुआ है ये भी तुम्हारा पैरेलल पोजीशन में लगा है। उसके बाद जो तुम्हारा रजिस्टर लगा हुआ है ये तुम्हारा सीरीज पोजिशन में लगा है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर कल को यहाँ पर वैल्यू नहीं आती तो वैल्यू ना आने का मतलब ये रहता है कि इसके लाइन में जो सीरीज में लगा है वो कंपोनेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमारी कहाँ से आ रही है, आईसी के अंदर से रीडिंग्स हमको मिल रही है। अगर यहाँ पर जो वैल्यू जो आपको 300 से लेकर 600 वैल्यू आ रही थी, अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलती तो इसके लाइन में पैरेलल में सीरीज में जो कंपोनेंट लगा है ये ब्रेक हो गया है, जिस कारण से इसका सप्लाई यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रजिस्टर को हम लोग हटा करके आपस में शॉर्ट कर देंगे और आपका लाइन चालू हो जाएगा। अगर रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो आपको चेंज भी करना पड़ सकता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर मोस्टली जो स्पीकर माइक रिंगर के ट्रैक में जो पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में जो लगे होते हैं वो सारे कंपोनेंट सीरीज पोजीशन में होते हैं, और उनमें मोस्टली जंपर मारने से वो हमारी लाइनें चालू हो जाती हैं। तो यहाँ से सप्लाई जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे रजिस्टर से होते हुए आगे चली जाएगी। अगर मान लिया कई बार ऐसी भी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि यहाँ पर मान लिया बीप आने लगती है, तो बीप आने का मतलब होता है इसके पैरेलल में जो चीज लगी है वो पैरेलल में चीज आपकी क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। मतलब यहाँ से जो सप्लाई जा रही थी वो डायोड पे जा रही थी, डायोड के बाद कैपेसिटर पे जा रही थी, इसका एक हिस्सा माइनस था, इसका भी एक हिस्सा माइनस था। तो अगर ये पैरेलल में जो डायोड है अगर यहाँ से बीप आने की, तो बीप आने का मतलब जो पैरेलल में डायोड लगा है ये ग्राउंड से शॉर्ट मार गया है। जैसे ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा तो तुम्हारा ये ट्रैक पूरा शॉर्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन में स्पीकर नहीं बजेगा। तो उस कंडीशन पर आप इसके अगर बीप आने लगती है तो इसका मतलब समझ जाइए कि इसके पैरेलल में कोई चीज लगी है, वो शॉर्ट मार गई है। आप उसको पहले बोर्ड से रिमूव कर दीजिए, रिमूव करने से आपका सही हो जाएगा और आपके स्पीकर का ट्रैक प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीकर के दो ट्रैक होते हैं, दोनों ट्रैक में जो एक ट्रैक में कंपोनेंट लगा होता है सेम उसी तरीके से दूसरे ट्रैक में भी कंपोनेंट लगा होता है। दोनों ट्रैक के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पूरक होते हैं, एक दूसरे के सेम होते हैं। एक दूसरे का सेम कहने का मतलब क्या है सर, जैसे एक अगर ट्रैक है तो उस ट्रैक में डायोड लगा है तो दूसरा भी डायोड लगा होगा, उसके आगे अगर ब्लैक कलर का रजिस्टेंस लगा है तो जो दूसरा ट्रैक होगा वो भी रजिस्टेंस लगा होगा। तो ज़्यादातर मोस्टली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थोड़े से समथिंग समथिंग से लगे होते हैं और एक दूसरे के सेम मिलते हुए ये ट्रैक आपका पावर आईसी तक चला जाता है, उसके बाद आपकी सप्लाई काम करना शुरू कर देती है। ये देखिए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सप्लाई यहाँ से होते हुए और ये सप्लाई एयर स्पीकर की सप्लाई आपकी पावर आईसी पे जा रही है जिससे आपके स्पीकर काम कर रहा है। अगर मान लिया आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि मान लिया रिंगर नहीं काम करता, तो रिंगर में काम करने पर मैं आपको थोड़ा सा रिंगर का भी सर्किट समझाता हूँ। रिंगर का जो कनेक्टिविटी आती है वो कहाँ से आती है, रिंगर का जो कनेक्टिविटी होती है वो आपके रिंगर के ट्रैक से आती है। जैसे आप देखेंगे ये आपका यूआई का पत्ता लगा हुआ है, यहाँ के यूआई के पत्ते से नीचे कनेक्शन हो जाता है, नीचे रिंगर लग जाता है और आपका रिंगर काम करना चालू कर देता है। यदि मान लिया आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में रिंगर काम नहीं करता, तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप मोबाइल फोन खोलेंगे, स्पीकर को चेक करेंगे, रिंगर को चेक करेंगे, रिंगर के दोनों ट्रैक में वैल्यू चेक करेंगे। अगर वैल्यू आती है तो लाइन सही है, वैल्यू नहीं आती तो लाइन खराब है। लाइन खराब होने का मतलब क्या होता है, आप देखिए मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। लाइन खराब होने का मतलब ये रहता है
कि ये जो सप्लाई होती है, जो रिंगर आईसी की जो आउटपुट सप्लाई होती है, जो यहाँ से निकलते हुए इसके ट्रैक पे जा रही होती है, ये सप्लाई क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है या बीच में से कनेक्टिविटी नहीं जा पाती। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली ज्यादातर रिंगर के ट्रैक में ये कॉइल लगी होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे जैसे आपका स्पीकर का जो यूआई लगा होता है, ऐसे यहाँ पर पॉइंट दिया होता है, उस यूआई के दो पॉइंट होते हैं, एक स्पीकर रिंगर का ये पॉइंट है, दूसरा रिंगर का ये पॉइंट है। आप इस यूआई से लेकर के आप ये कॉइल तक चेक करेंगे, दोनों कॉइल तक चेक करेंगे तो यहाँ तक ऐसे बीप आनी चाहिए, अगर कनेक्ट करके, अगर बीप आती तो सही है, अगर बीप नहीं आती तो इसका मतलब है इसका कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गया है। अगर मान लिया आपने चेक किया, एक का बीप आ रहा है तो एक का कनेक्टिविटी है, दूसरे का बीप नहीं आ रहा है, तो दूसरे से उठा करके आप यहाँ पर जम्पर मार देंगे तो आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन में रिंगर काम करना चालू कर देगा। अगर इसकी रिंगर की कनेक्टिविटी कर देते हैं, कॉइल से स्पीकर तक हो जाता है, उसके बाद भी रिंगर नहीं काम करता, तो फिर ही आपकी रिंगर आईसी लगी है। हमने आपको समझाया था कि रिंगर आईसी को काम करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होता है कि इसको वोल्टेज आते हैं, ये वीपीएस के द्वारा 3.7 वोल्टेज आते हैं। ये 3.7 वोल्टेज जो होते हैं ये तुम्हारे रिंगर आईसी को एक्टिव करते हैं। ये 3.7 वोल्टेज जब रिंगर आईसी एक्टिव हो जाएगी तो यहाँ से एम्पलीफायर के रूप में यहाँ से जो सिग्नल आ रहे थे ये सिग्नल तुम्हारे रिंगर आईसी को आते हैं। रिंगर आईसी क्या काम करते हैं, उन सिग्नल को एम्पलीफाई करती है, एम्पलीफाई करने के बाद उन सिग्नल को आगे की तरफ भेज देती है जिससे आपके यूआई में जाता है और रिंगर बजना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे एक ब्लू कलर का लाइन और भी दिया हुआ है, ये ब्लू कलर का लाइन जो होता है यही तुम्हारा कंट्रोलिंग का लाइन होता है, सीटीआरएल का मतलब होता है कंट्रोलिंग का लाइन होता है। ये लाइन तुम्हारा जो सीपीयू से कनेक्ट होता है, इसकी कनेक्टिविटी का मतलब होता है ये प्रदर्शित करना चाहता है कि आपको सीपीयू उसको कमांड दे देता है रिंगर आईसी को, भाई देखो कितना तुमको आवाज बढ़ाना है कितना आवाज नहीं बढ़ाना। अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि कंट्रोलिंग लाइन से भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ये देखिए यहाँ से सप्लाई गई है, उसके लाइन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस रेजिस्टेंस के बाद जो आपकी सप्लाई जाती है ये आगे होते हुए और ये सप्लाई आपके चली जाती है सीपीयू आईसी के अंदर। देखिए ये ब्लू कलर की लाइन है, ये देखिए ये लाइन तुम्हारी कहां पर जा रही है, सीपीयू के अंदर जा रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन में रिंगर नहीं बजता, कई बार फोन ऐसा गिर जाता है, पटक जाता है या उसमें पानी चला जाता है, तो पानी के जाने की वजह से भी मोबाइल फोन में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि रिंगर नहीं बजता, बाकी सब कुछ पूरा फोन चल रहा है रिंगर नहीं बज रहा। तो ऐसी सिचुएशन पर सीपीयू के यहाँ पर पिन में कार्बन फंस जाता है, अगर सीपीयू के पिन में कार्बन फंस जाएगा तो भी आपका नहीं काम करेगा। तो हम लोग उस कंडीशन पर पूरा सीपीयू को उतारते हैं और रिबॉल करके अच्छी तरीके से लगा देते हैं। जैसे रिबॉल करके अच्छी तरीके लगा देंगे तो आपके मोबाइल फोन में रिंगर बजना चालू हो जाता है, उस कंडीशन पर जब कंट्रोलिंग लाइन पर रीडिंग नहीं आती, यानी कंट्रोलिंग लाइन खराब हो जाती, तब आप क्या करते हैं सीपीयू को रिबॉल करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है कि हमारे मोबाइल फोन में जो स्पीकर रिंगर होता है वो स्पीकर रिंगर का सर्किट कैसे काम करता है और ईयर स्पीकर का जो सर्किट होता है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने आज आपको वीडियो आपको समझाया है। इस तरीके से वीडियो को आप देखें और आज की वीडियो में मैं आपको आशा करता हूँ कि स्पीकर रिंगर के बारे में आपको पूरा ट्रैक के बारे में ग्राफिकली अच्छे से दिखाई देने से आपको अच्छे समझ में आओगा और इसको जैसा इससे पहले जो मैंने वीडियो में आपको दिया है उस वीडियो के माध्यम से पूरा सर्किट मैंने आपको समझाया ताकि उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको चेक करें, जब चेक करेंगे तो आपको उसके कंपोनेंट मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और वीडियो के माध्यम से जो भी सारी चीज़ें हैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं उनको सीखते रहें, उनको बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप आप पूरा प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल करने के बाद ताकि आपको अच्छे से एहसास होगा कि आप किस तरीके से आप चेक कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल से जुड़े रहें और मोबाइल फोन रिपेयरिंग से संबंधित अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आप रिपेयरिंग करने वाला टेक्नीशियन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी चीज़ में समस्या आ रही है तो फिर आप आकर के ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर एक दो चार चीज़ पूछनी है तो आप फ़ोन करके कॉल करके आप ऐसे ही हेल्प ले सकते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि आप सीख करके अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।